चलो जी, आईटीआर फाइलिंग का सीजन है तो सभी लोग अपनी आईटीआर फाइल करने में लगे हुए हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर कभी कभी कुछ जो है टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी रिटर्न्स फाइल हो रही है और हम लोग भी अपनी काफी रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं। इस वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग है और जिस पर अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं गया है, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक क्या होता था कि जो आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 31 जुलाई के बाद अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो वो बिलेटेड रिटर्न हो जाती है और बिलेटेड रिटर्न के केस में आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो ऐसे में अभी तक क्या होता था कि आप जो लेट फीस पे करते थे वो पे करते थे, अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपीज तक है तो ऐसे में 1000 रुपीज, और 5 लाख रुपीज से ज्यादा है तो ऐसे में 5000 रुपीज। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, रिबेट आपको मिल जाती है 87A की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात क्लियर थी कि 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको 5000 से ज्यादा की लेट फीस देनी है, अगर 5 लाख से कम अगर आपकी टोटल इनकम है तो ऐसे में कोई टैक्स आपको नहीं पे करना है और लेट फीस भी 1000 रुपीज है। लेकिन अब आ गई है न्यू टैक्स रिजीम, और न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपीज तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है अगर आपकी टोटल इनकम है अप टू 7 लाख रुपीज। 7 लाख रुपीज को अगर आपकी टोटल इनकम क्रॉस करेगी, एक्सीड करेगी, तो ऐसे में आपको जो है टैक्स पे करना होगा। लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर 31 जुलाई के बाद आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो पहली बात तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको रिटर्न ही फाइल करनी होगी न्यू टैक्स रिजिम में। और न्यू टैक्स रिजीम में भी अब क्या है, काफी सारे लोगों को लगेगा कि 7 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स पे नहीं करना है तो ऐसे में 7 लाख रुपीज तक कोई लेट फीस भी पे नहीं करनी होगी, और अगर करनी भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की। तो ऐसा नहीं है, सेक्शन 234F में कोई चेंज नहीं किया गया है, वहां पर आज भी यही वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज द फीस पेबल अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी टोटल इनकम क्रॉस नहीं करेगी तो आपको 1000 रुपए पे करने हैं, अदरवाइज ही शेल पे बाय वे ऑफ ए फी सम ऑफ रुपीज 5000। तो अब यहां पर अगर मैं कुछ केसेस की बात करूं, अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो पहली बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, ओल्ड टैक्स रिजिम में आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको जो है न्यू टैक्स रिजिम में ही अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। हालांकि जो ऑडिटेबल केसेस है, जहां पर जो डेट है रिटर्न फाइलिंग की वो 31 अक्टूबर है, तो उनके लिए जो है ओल्ड टैक्स रिजिम वो जो है ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां पर जिनके केसेस में 31 जुलाई की बात हो रही है वहां पर 31 जुलाई के बाद वो जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अब न्यू टैक्स रिजिम में अगर वो रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और उनकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 2,50,000 रुपए, 3 लाख रुपए इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन, तो वहां पर उनको कोई लेट फीस पे नहीं करनी होगी अगर जो टोटल इनकम है इस लिमिट तक है, और अगर जो है टोटल इनकम इस लिमिट से ज्यादा है और अप टू 5 लाख रुपीज है तो ऐसे में लेट फीस होगी 1000 रुपीज। 5 लाख रुपए तक टोटल इनकम है तो 1000 रुपए की लेट फीस पे करनी होगी, और मान लेते हैं इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 7 लाख रुपए तक है, तो ऐसे में यहां पर लेट फीस आपको पे करनी होगी 5000 रुपीज। भले ही न्यू टैक्स रिजिम में आपका जो टैक्स है वो जीरो है, 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, आपको रिबेट मिल जाती है, लेकिन रिबेट मिलने के बावजूद लेट फीस के रिगार्डिंग कोई रिलैक्सेशन यहां पर नहीं दी गई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 6 लाख रुपए, तो ऐसे में आपको टैक्स भले ही पे ना करना हो लेकिन यहाँ पर लेट फीस आपको 5000 रुपीज की पे करनी होगी, और अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको 5000 रुपए पे करने ही होंगे। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों के भी माइंड में ये है कि 31 जुलाई के बाद हम रिटर्न फाइल कर लेंगे, 7 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, टैक्स नहीं है तो लेट फीस भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जिसकी भी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है और 5 लाख रुपए तक है, 1000 रुपए की लेट फीस होगी, और 5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी जितनी भी इनकम है चाहे वो 7 लाख रुपए को क्रॉस करती है या नहीं करती, अगर वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में आपको जो लेट फीस पे करनी होगी वो होगी 5000 रुपीज। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जहां पर
जो है एक कॉमन टैक्स पेयर्स का जो ध्यान है वो नहीं जाता है, और ऐसे में वो काफी सारी गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पर मेक श्योर आप जो है टाइमली अपनी रिटर्न फाइल जरूर कर ले, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अगर मान लीजिए टाइमली रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो ऐसे में अगर आपके केस में कोई लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर्स के लिए। अगर आपके केसेस में किसी तरह का कोई सेटअप किया जाना है लॉसेस का, किसी तरह का कोई जो ऐसी चीज है जो आपकी इनकम के साथ एडजस्ट हो सकती है नेक्स्ट ईयर्स के अंदर, तो आपको टाइमली रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। उसके अलावा इस साल से अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे तो ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, आपको न्यू टैक्स रिजिम को ही ऑप्ट करना होगा। उसके अलावा जो है और काफी सारी बातें हैं जो अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं उनके बेनिफिट जो है आपको मिलते हैं। आपका जो रिफंड है वो बहुत जल्दी प्रोसेस किया जाता है अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस तरह की जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए टाइमली रिटर्न जरूर फाइल करें, और किसी भी वजह से अगर आप टाइमली फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में लेट फीस का जरूर ध्यान रखें। आपकी जो लेट फीस है वो जो है अब 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी टोटल इनकम है तो 5,000 रुपए ही है। तो ऐसे में जो 7 लाख रुपए के लिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको जो बेनिफिट दिया गया है वो लेट फीस के रिगार्डिंग आपको नहीं मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।